तो गाइस यहाँ पे केक भी आ गया है और केक को मैंने कट कर लिया है। उसके बाद हम लोग अपना गिफ्ट दे रहे हैं, साथ में फोटोज भी खिंचवा रहे हैं, वीडियोस भी बन रहे हैं। और आज हमारी बाबू तो अपने पापा को बिल्कुल भी छोड़ ही नहीं रही थी। यहाँ पे बच्चे भी थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे। और गाइस डांस तो किसी का रुक ही नहीं रहा था, जो जहाँ खड़ा है बैठा है वहीं पर सबका हाथ पैर हिल रहा है डांस करने में, और बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे पूजा जी को तो आप लोग जानते ही हैं, फिर वो अपना गिफ्ट लेकर आएंगी और ऐसे एक एक करके एक आते हैं, गिफ्ट देते हैं और उसके बाद फोटो क्लिक कराते हैं, वीडियो बनाते हैं। फिर उसके बाद फिर क्या, फिर यहाँ पे हम पति देव में सरप्राइज गिफ्ट देंगे, फिर खा पी के ऐसे फिर थोड़ा बहुत और डांस करते हैं। और देखते रहिए आप लोग कंटिन्यू, बहुत ही मज़ा आएगा इस वीडियो में। बहुत ही कम खाते हैं, मेरे से तो बिल्कुल खाना नहीं खिलाता है। तब पर भी भाई इतना पैसा लगा था तो हमने कहा चलो थोड़ा सा खा ही लेते हैं। और सब लोग देख ही लो, चाहे खाना हो चाहे पीना हो चाहे केक कटिंग करने का टाइम हो, सब लोग मतलब हाथ पैर सबके हिल ही रहे, कोई रुक नहीं रहा है, सब डांस करने में एकदम मस्त है। और यहाँ पे ये हमारी पड़ोसी एकता और ये रही आंटी, उनकी बेटी, ये भी हमारे साथ आई थी। यहाँ पे देखिए मैं भी डांस कर रही हूँ, बैठे हैं लेकिन सब लोग झूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग खाते पीते हैं केक कटने के बाद, क्योंकि हम लोग ने थोड़ा देर होल्ड कर दिए थे कि चलो केक कट हो जाएगा उसके बाद ही खाना खाएंगे। यहाँ पे कार्तिक बैठा है, कार्तिक भी अपना बहुत ही मस्त है यहाँ पे आके। और कार्तिक को मैंने बोला भी, कार्तिक चलो हमारे साथ घर, तो बोला हाँ ठीक है आंटी। मैंने बोला भी था पहले से ही कि कार्तिक अपना कपड़ा लेके आना तो चलेंगे घर, तो बोला था ठीक है, अभी आया है। तो यहाँ पे देखिए छोटी हाँ सोनाक्षी, सब लोग होता है ना गाइस, कभी जब मन का गाना मिल जाता है ना यार, फिर ये अब ये नहीं सोचते कि नहीं अब थक गए अब नहीं थकते, कितना भी थके हो लेकिन यार जब मन पसंद का गाना बज जाता है ना तो फिर अपने आप हाथ पैर हिलने लगते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, रात में हम लोग आए और इतना ज़्यादा थक गए थे, 2 बजे रात को आए, सोते सोते हम लोग को 3:30 बज गए हैं,
फिर सुबह में 11 बजे में हमारी नींद खुलती है, फिर नहा धो के पूजा करके चाय नाश्ता बना के पी के अब हम चलते हैं किचन में, खाना भी बनाना है। और इतना ज़्यादा घर फैल गया था गाइस, पता है साफ सफाई करने में ही हमारे समझ लीजिए 2-3 बज जाते हैं दोपहर के। तो अब हम चलते हैं किचन में क्योंकि खाना भी तो बनाना है और साफ़ सफाई भी सब कुछ हो गया है। मैंने आलू रखा है बॉयल होने के लिए, देखो सीटी बोल रही है, धीमा कर देते हैं। तो मैंने आलू रख दिया है बॉयल होने के लिए, और आलू बॉयल होगा तो मैं बनाऊंगी आलू दम और पराठे, इनके लिए रोटी बनाऊंगी। मुझे पराठे पसंद है क्योंकि बहुत दिन बाद आज पराठे बनाऊंगी। और यहाँ पे बाबू हमारी देखो डांस कर रही है, डांस कैसे कर रही थी बाबू डांस, ऐसे ऐसे, अरे 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 वाह, तो देखो डांस कर रही है। और मैंने बेडशीट भी चेंज कर दिया क्योंकि ना जब हम आए तो जैसा धूल मिट्टी जैसा लग रहा था, और 2-3 दिन हो भी गया था चेंज किए, हम 2-3 दिन बाद चेंज कर देते हैं। तो ये वाला बेडशीट बहुत दिन बाद लगा, अच्छा लग रहा है ना, टाटा है ना, अच्छा लगता है। कलर भी इसका अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारा बेड जो है ना ये डार्क कलर है, तो ये लाइट है अच्छा लग रहा है, कॉम्बिनेशन डार्क और लाइट का। और यहाँ पे गाइस देखिए सारा गिफ्ट हमने यहाँ पे रख दिया है, और इसका भी अनबॉक्सिंग करेंगे, अगर आज टाइम मिला तो आज करेंगे, नहीं तो कल करेंगे। और इस रूम में इतना ज़्यादा फैला हुआ था ना कि हम क्या बताएं, कितना तो हमने फोल्ड करके कपड़ा रख दिया है, और कितना अभी देखिए यहाँ पे बाकी है, ये रैक पे कपड़ा है, कल मैं कपड़ा ढूंढ रही थी जो नहीं मिल रहा था। तो गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कपड़ा है ना ये रैक पे, अगर एक कपड़ा निकालो 2-4 गिर जाते हैं क्योंकि ये भी भरा हुआ है, ये इसके ऊपर फोल्ड करके रखते हैं तो गिर जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, पहले मैं ना ये ज्वेलरी पहनने वाली थी, दिख रहा है वाइट कलर, वाइट मोती में है 3 लेयर में, फिर मुझे ना बहुत ज़्यादा ओवर लग रहा था तो हमने निकाल दिया। और कुछ लोगों को मेरा आउटफिट अच्छा लगा, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगा, तो भाई सबकी पसंद एक जैसी नहीं होती है। तो चलो कोई बात नहीं, जिसको अच्छा लगा उसको थैंक यू, जिसको नहीं भी लगा उसको भी थैंक यू। चलते हैं, ये सब कपड़ा हम फोल्ड कर देते हैं, पति देव भी हैं हमारे यहाँ पे, साथ में बैठ के फोल्ड करा लेंगे। पहले इन्होंने ना ये ब्लू वाला शर्ट पहना था, ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा था, पर मैंने इनको बोला कि अगर आप ब्लू पहनोगे तो मेरा ब्लैक है एक जैसा हो जाएगा, थोड़ा सा अलग पहने, तो इन्होंने ये वाला पहना, ये भी अच्छा है। साउथ वाला हीरो से नकाम लगता है, तोहर के दिल हम दे बेकरब तू तब बम लगता है। उसको देखो गोल गोल कर रही है, गोल गोल गोल, मम्मी की रोटी बने गोल 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 गोल। तो गाइस पानी इतना गरम आ रहा है ना कि पूछो मत, क्या बड़ा तुम भी तो ला सकते हो, बड़े आए हो, बहुत बहुत ज्यादा देख रहे बन रहे हो। तुम्हारा क्या होता है, अपना होता है, आप डेली करते हो, तो एनिवर्सरी आपकी नहीं थी, बस मेरी थी। ऐसी जिंदगी तो हम डेली जीते हैं भैया, आप बड़े आदमी हो, आप डेली जीते हो, हम गरीब आदमी हैं, हम ऐसी जिंदगी पहली बार जी हैं। गरीब भाई है, देख रहे हो ना विनोद, गरीब भाई है। तो चलिए गाइस कपड़े लेकर आते तो हैं, फिर साथ में साथ में फोल्ड करते हैं। गाइस यहाँ पे देखिए बहुत तेज से भूख लगी है, मैं कब से बोल रहा हूँ कुछ बना दो, लेकिन सुबह की जो घर में इतनी फैला था उसके चक्कर में बिजी थी, उसे थोड़ा खाना से लेट हो रहा है। हमारी बेटी बैठी हुई है, गोल गोल आलू आलू, ये फ्रॉक देखो इसको लिए अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी इसको बड़ा है अच्छा नहीं, अरे भैया नहीं छोड़ा, गोल गोल है बेटा, गरम क्या बनाओगी बाबू। अब सब्जी तो कुछ है नहीं, आलू था तो हमका आलू को बॉइल करके उसका आलू दम बना दे, पहले थोड़ा सा फ्राई करके निकाल दे, हम लोग ऐसे खा लेंगे। मुझे बहुत ही भूख लगी है यार, हमको खुद लगा है, हम क्या बोले, इसीलिए तो हमका जो जल्दी हो वही बनाया है। चलो फटाफट कर लो यार, क्या करें, बर्दाश्त नहीं है, कुछ है खाने पीने को, नमकीन है, टोस्ट है, बिस्किट है, अरे यार ये सब तो पेट में भरता, बस रुक जाओ 10-15 मिनट में बन जाएगा, इसीलिए तो। चलो देखिए यहाँ पे कुकर में आलू है, बाकी ने 3-4 छील लिया है, बैठू भाई यहाँ बैठू, हेलो बैठू कैसे हो आप, हेलो बैठू कैसे हो आप, तो इसीलिए आज बने रहिए मिलते हैं। तो अरे कैसे हंस रही है देखो बाबू, आ जा भागेगी भागेगी, ये तो बाबा जी लग रही है, तो ड्रेस देखिए आ जाओ, पूरा देख रहे हो घर कितना चमक रहा है।
काम क्यों है सुबह से उठ के? सुबह अरे अरे गुड़िया रानी, लाला जी बन जा, लाला जी नहीं नहीं लाला जी, अरे सॉरी बोलो, कान पकड़ के सॉरी बोलो, कान पकड़ो, कान पकड़ो, सॉरी बोलो, नहीं बोलेगी। कहाँ जा रही हो? देखिए कैसे भाग रही, आ जाओ इधर, आ जाओ पापा पास आ जाओ, बोल इधर आओ, फ्रिज नहीं बन गया पीटेंगे, बॉल ढूंढ रही, बॉल ये बॉल है, हम तो सिर्फ खेल रहे, मारो अरे हो, देखो कैसे खेल रही है, मारो बॉल को, मारो मारो, अरे उसको बैट बना लिए, मारो जाओ बॉल लेके आ जाओ, अभी खेलेगी अपना, आ जाओ। तो चलिए गाइस इसे बना लेते हैं, फिर मिलते हैं, दिखाएं पहले थोड़ा सा फ्राई कर ले, फिर उसके बाद सब्जी बनाएंगे इसका। इसको लेके आ गई बॉल, खेलो यहीं पे, नीचे खेलो, बेड पे नहीं, बेड पे नहीं खेला जाता बेटा, बेड पे, बेड पे नहीं, जमीन पे खेलो, हर बार कुछ भी होगा, सोना होगा, बैठना होगा, खेलना होगा, बेड पे, देखो बेल दर, आ जाओ बेड पे। तो गाइस गर्मी इतना ज्यादा है कि पूछो ही मत, और यहाँ पे देखिए बर्तन वगैरह मैंने धो दिया, एक दूध का जला है वो छूट नहीं रहा है मेरे से, उसको क्या करेंगे, किसी और चीज़ से कोशिश करते हैं, चाकू से छुड़ाएं तो शायद छूट जाए। और यहाँ पे देखिए मैं बना रही आलू था, तो आलू को बॉईल करके उसको फ्राई करके ऐसे ही थोड़ा सा मसाला डाल के मैं क्योंकि प्याज भी ख़त्म है और लहसुन भी ख़त्म है, सब्जी भी नहीं है, दो दिन तीन दिन हम लोग का तैयारी करने में ही निकल गया, इसलिए सब्जी वगैरह नहीं है और कुछ मसाले भी नहीं है, तो अगर आज टाइम मिलेगा तो जाएंगे सब्जी मसाला और जो नहीं है राशन वगैरह सब लेकर आएंगे। चावल भी ख़त्म है, आटा है, चावल ख़त्म है। यहाँ पे बाबू हमारी बैठे हुई है, थोड़ा सा आलू बॉईल करके दे दिए बाबू को खाने के लिए, अरे डांस कर रही है, अरे वाह। तो चलिए किचन में चलते हैं, यहाँ पे देखिए चावल भी मैंने बना दिया है क्योंकि इतनी गर्मी है ना, रोटी बनाने का मन नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा गर्मी किचन में लग रहा है, तो हमने कहा चावल बना देते हैं और सब्जी फिर बैक कैमरे से दिखाते हैं। तो गाइस ये देखिए बन के एकदम तैयार हो गया है, बस थोड़ा सा पानी में डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के इसको खोलाएंगे। तो चलिए गाइस खाना पीना हो गया है और बाबू हमारे उस रूम में सो गए, उसको सुला भी दिए हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और इस वाले ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। और आज भी हमारे घर पर हमने पार्टी छोटी सी रखी है, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बाय बाय।